बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है बीफ़ स्टेक की। बीफ़ स्टेक बनाने के लिए यहाँ मैंने जो बीफ लिया है उसके मैंने पतले पतले से पीसेस कर लिए हैं और 4 से 5 अदद पीसेस हैं मेरे पास बीफ के। यहाँ एक बाउल में मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1 टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम मसाले जो मैंने इस बाउल में डाले हैं इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। गोश्त के पीसेस जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चौड़ाई उनकी कम है, पतले पतले गोश्त के पीसेस लेने हैं ताकि वो जल्दी गल सकें। ग्राइंड कर लिया है मैंने उन तमाम मसालों को जो मैंने यहाँ बाउल में निकाले थे। ये मैंने डाला है मीट टेंडराइज़र। वैसे तो स्टेक में ये नहीं डलता है लेकिन चूँकि मुझे फुल डन स्टेक चाहिए था तो मैंने इसमें 1 चम्मच मीट टेंडराइज़र का डाल दिया है। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से तमाम ही गोश्त के पीसेस पे ये सारा मसाला लगा देना है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम इसको मैरिनेट कर देना है। ढक के इसको रख देंगे हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। थोड़े से छुरी की मदद से अगर आप चाहें तो हल्के से कांटे या छुरी से इसमें कट लगा सकते हैं, जिस तरह के हम हंटर बीफ पे लगाते हैं, लेकिन गहरे कट नहीं होने चाहिए, बहुत मामूली से। अब तमाम ही पीसेस जिन पे मैं लगाती जा रही हूँ मसाला, इसको एक बाउल में मैं कर दूँगी जिसमें मैंने ये मसाला बनाया था, ताकि मसाला ज़ाया ना हो, और तमाम पीसेस इस एक बाउल में करके इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पर एक चीज़ शामिल करना रह गई थी जो अब मैं शामिल कर दूँगी, वो है मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड पाउडर का और अच्छे तरीके से उसको भी मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। तेज़ गरम कर लेना है ग्रिल को, इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद इस पर रख देते हैं 2 पीसेस इस वक्त स्टेक के। वैसे मैंने 4 पीसेस के मसाला लगाया था, 2 पीसेस रख देने हैं और इसको थोड़ी देर पकने देना है। यहाँ पर मैंने ढका है इसके ऊपर फ्राई पैन उल्टा करके। इसकी वजह ये है कि वैसे तो नॉर्मल जब स्टेक बनता है तो ये ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको ढकें, लेकिन चूँकि हमें फुल डन स्टेक चाहिए इसलिए मैं कर ये रही हूँ कि एक साइड को मैं 20 से 25 मिनट तक पकाऊँगी हल्की फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको मैं ढक दूँगी किसी फ्राई पैन से, या ढकने से भी ढक सकते हैं, लेकिन अगर ढकने से ढकते हैं तो साइडों से उसकी हीट निकलती, इसलिए मैंने यूज़ किया है फ्राई पैन का। अब यहाँ पर मैंने 20 से 25 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई पैन से ढक के रखा, उसके बाद पलट दिया, दूसरी साइड को भी इसी तरह पकाया, तो ये बहुत अच्छा फुल डन हमारा स्टेक तैयार हो चुका है। दोनों साइड से बिल्कुल तैयार है स्टेक। अब इसको निकाल लेते हैं और जो साइडों पे ऑयल है ग्रिल के उसको थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसके ऊपर बार बार लगा देंगे और प्रेस करते हैं किसी चमचे से, तो ये हमारा स्टेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ सर्व करते हैं वाइट सॉस और केचप और कुछ बॉयल्ड पोटैटोज़। वाइट सॉस के लिए जो मैंने यहाँ पर सिंपल वाइट सॉस बनाया है उसमें मैंने लिया है दही, नमक, काली मिर्च और मायोनीज़। जो प्रॉपर वाइट सॉस की तरकीब है वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पर सिंपल एंड इजी वाइट सॉस है, केचप है, इसको सर्व कर देते हैं। मज़ेदार स्टेक हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तमाम ही वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें।